देखो शेर, सब लोग देखो पीछे। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी लोगों का स्वागत है इट्स आर्यन पंडित ब्लॉग्स में। तो गाइस, अभी का सीन कुछ ऐसा है, अभी बज चुके हैं दोपहर के 2 और गाइस आज मैं आया हूँ इटावा। इटावा कहाँ पर वो बताते हैं चलिए। तो उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही लो, क्योंकि हम आप ही लोगों के लिए ये सारा कंटेंट बनाते हैं। तो हम आए हैं इटावा लॉयन सफारी पार्क में, जिसका टिकट हमने अपने हाथ में ले लिया है। तो अभी हम कर रहे हैं इंट्रो और ये है कार पार्किंग, तो आपको घुमाते हैं, बहुत सारा मज़ा आने वाला है। और एक ब्लॉग हमने अभी सुबह बनाया था जहाँ पर हम संजना दीदी से मिलने गए थे इटावा मतलब जसवंत नगर, तो वो ब्लॉग थोड़ा बड़ा हो जाता तो हमने सोचा इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं। तो ऐसे ही ब्लॉग आते रहेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ। तो इसका टिकट भी हमने ले लिया है और बहुत ही रुपए खर्च हो रहे हैं, तो चलते हैं और आपको पूरी लाइन सफारी घुमाते हैं। और फिलहाल तो हम कार पार्किंग में, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब भैया ज़रूर कर लियो, तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। भैया सामने देख लीजिए, 2 शेर हैं और इस पर लिखा है लाइन सफारी, उधर लाइन लिखा है, इधर सफारी। तो और भी आपको दिखाते हैं प्यारा प्यारा नज़ारा, देखिए क्या सुंदर व्यू आ रहा है, वाओ नाइस। सामने देखिए क्या बड़ा पर्वत है। अभी हम दिखाते हैं आपको सामने ये खड़ी है ट्रेन, तो ये खड़ी रहती है, तो अभी आपको ये पूरी दिखाते हैं। वो देखिए सामने तक है और ये है इसका गेट, तो इसके अंदर हमने प्रवेश कर लिया है। और दिखाते हैं आपको, देख सकते हैं ये है मेन नज़ारा यहाँ का। तो ये खड़ी है तोप जहाँ से अभी हम भैया से कह के फ़ोटो खिंचवाने वाले हैं, तो खिंचवाएँगे। और इधर देखते हैं कहाँ कहाँ चलते हैं, हमको तो जाना भी नहीं पता। तो हम लाइन सफारी में इंटर ले लिए हैं और अब चलते हैं, ये रहा फाटक जिसको हम पार करते हैं, और भी जगह दिखाते हैं। तो अभी तो खैर शुरुआत है और बहुत बड़ी है, तो वो सारा आपको दिखाएंगे। और पता नहीं यहाँ से कहीं के लिए रास्ता गया है, ये देखो। तो अभी नहीं चलेंगे भाई, अकेले हैं, क्या शेर मिल जाएँ। तो अगर आपको शेर चीते हाथी घोड़ा भालू जो जो दिखें सब कुछ दिखाएंगे। या हम सब लोग कहाँ जा रहे हैं, तो देख रहे हो इतनी बड़ी टीम है, लाइन सफारी घूम रही है। टीम नहीं मतलब स्कूल के बच्चे हैं, मान लो तो टीम है। तो हम लोग इस व्हाइट वाली लाइन को फॉलो करेंगे तभी पहुंच पाएंगे शेर के यहाँ, चलते हैं। ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का, देखिए लाइन सफारी। तो ये है ब्रिज जिस पे हम लोग चल रहे हैं और ये ब्रिज है। तो यहाँ पर स्कूल वाले बच्चों को भी ट्रिप पर लाया गया था, तो ये देखिए सीन हमारे यहाँ का, पीछे का भी व्यू देख लो कितना प्यारा आ रहा है। अभी बस आने वाली है और उसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं शेर और भी मतलब चीते घोड़ा हाथी जितने लोग। तो भैया बस आ चुकी है, देख ले भैया। भाई गाड़ी तो हमें लेनी गई, तो हमने सोचा कुछ ना कुछ खाई पी लेते हैं, तो हमने अभी पेटीज मंगा ली थी, तो अब उसको ख़त्म करते हैं और तब ना हमारी बस आ जाएगी, तो उससे चलेंगे। हमारा दूसरा राउंड था, वो हमारा एक्चुअली नंबर नहीं था, तो बस हमें लेनी गई। और भी सारे लोग रह गए, देखिए भैया हम कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचे थे कि हम शेर देखेंगे चीता देखेंगे, तो वो आज हम देखने वाले हैं और उसके लिए हम बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। तो हालांकि ये ब्लॉग यहाँ मतलब दूर दूर से लोग आए हैं, तो हम अपनी शुद्ध भाषा में नहीं बोल रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा अपना शहर वाली भाषा पर काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा सपना भी था मतलब शेर बहुत पहले कहाँ गाँव के आदमी देखेंगे, तो देखते हैं। और अभी हमारी बस आने वाली है, तो वो हमको ले जाएगी, तो अब उसी में देखने को मिलेगा। तो और जिससे हम ब्लॉग बनाते हैं मतलब कि मोबाइल से, तो वो हमारा डिस्चार्ज होने वाला है, तो बहुत ही बैटरी कम है, तो ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, बस का इंतज़ार करेंगे। आ रही है आवाज़ आने लगी, तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं बस में कैसा क्या सीन होने वाला है। फ़िलहाल तो हम यहाँ बैठे थे, हमने कहा कुछ नहीं, एक बस थी चली गई। हाँ चलने तो जा रहे हैं।
चालू ही जाएगा रंग देखो भालू भालू देखो भालू एक बुरो एक जुरो एक जुरो देखो भालू ले भालू देखो देखो भालू है भालू देखो भैया सब लोग भालू देखो एक जुरो एक जुरो एक जुरो देखो सामने बैठे भालू ठीक है देख ले सब लोगों ने भालू देख ले एक जुआ है भैया को शेर आने वालों है तो आप चल रहे हैं दिखा रहे आपको शेर देखने चल रहे सब लोग और दिखा रहे देखो जीप खड़ी है चल रहे शेर देखन सब लोग उनको शेर दिखाए सामने ही रहो बहुत मजा आया रहो फिलहाल दिखा रहे देखो ये रहा शेर एक बोरा एक ये रहा देखो एक ये बैठा है एक ये डोल रहा एक जीरा देखो शेर वाह क्या मजा आ रहा है भाई देखो शेर सब लोग देखो पीछे देख रहो ठीक है देखो पूरा शेर तो भैया अब बच चुके हैं शाम के 4:30 और हमारी ट्रिप होगी पूरी तो अब जा रहे हैं घर है और देख ले जू का छू नजारा है लायन सफारी को हमने आपको शेरों दिखाए भालू दिखाओ बारहसिंघा दिखाए और वो होते और ये कुछ है अपनी लायन सफारी जो कि अखिलेश यादव जी ने बनवाई है तो बहुत ही प्यारी है एकदम मस्त 5 स्टार इसको रेटिंग भी मिल गई हमारी तरफ से तो काफ़ी सारा मज़ा आया जिस जिसको आना हो अगली बार हम आएंगे उसकी हम डेट डाल देंगे तब हम सब लोग आएंगे मिलकर अब की बार भाई आए सारे लोग आएंगे एकदम मज़ा आएगा तो भैया जितना पैसा लिया गया सारा वसूल एकदम मज़ा आ गया और कम से कम 18 किलोमीटर की रास्ता में घुमाया उन्होंने बहुत मज़ा आया
18 किलोमीटर की रास्ता थी और देख रहे हो क्या हरियाली है। अब वाह मजा आ गया भाई साहब, पूरा पैसा वसूल। भाई एक तो हमारे साथ में कोई नहीं आया, ऊपर से अब मांग मांग के फोटो भी खिंचवानी पड़ रही है, भैया आप खींच दो आप खींच दो, तो हमारी कल खींच गई ऐसी क्या कह गई। तो अभी आपको दो शेर दिखाएंगे जो बाहर मेन गेट पर हैं, तो चल रहे हैं और आप लोगों को दिखाइए, काफी मजा आओ बहुत सारू आइए पूरा पैसा वसूल। तो ये रही ट्रेन, ये रहा मेन गेट, ये रही पार्किंग, इधर भी पार्किंग। तो ये है वो दो शेर, इसको मेन गेट बोला जाता है, तो हम भी यहाँ एक फोटो खिंचा लें अपनी। तो भाई ये हैं दो शेर और इसी को मेन गेट बोला जाता है हमारी लॉयन सफारी का, तो देख रहे हो क्या खूबसूरती है। तो चलिए टाटा बाय बाय और मिलते हैं एक प्यारे से और नेक्स्ट ब्लॉग में जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार होने वाला है। तो अभी तक के लिए बाय बाय टाटा बाय बाय। तो भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लियो, आप ही लोग हमारे इतनी मेहनत कराते हैं, पैसा बर्बाद, नेट बर्बाद, सब कुछ बर्बाद, और खैर आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। काहू को भैया कोई बात बुरी लगी हो तो हमें माफ़ करियो, हमने गलती पकड़ ली, ठीक है भैया, ठीक है। तो अब चलिए बाय बाय टाटा गुड नाइट।